everyone, welcome back to my new vlog. Happy Panchami and Happy Dasara to everyone. So आज पंचमी है guys and सुबह सुबह उठ के मैं तैयार हो चुकी हूँ. सारा काम अपना complete करके office जाने के लिए मैं तैयार हूँ अभी. तो आज येलो डे है, मैंने आज येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ है. वैदिक के साथ थोड़ी मोड़ी मस्ती हो रही है सुबह सुबह, क्योंकि वैदिक भी तैयार है स्कूल जाने के लिए. उसका भी ड्रेस मैच कर रहा है येलो येलो कलर. सो आज नवरात्र के हिसाब से आज येलो पहनने का दिन है. इधर मुंबई में गाइज नवरात्रा जैसे ही स्टार्ट होती है तो डे वन से ही हम लोग ड्रेस कोड जो है वो डे वन के कलर के हिसाब से, डे टू के कलर के हिसाब से हम लोग फॉलो करते हैं, और वैसे ही हम लोग इधर में सेलिब्रेट करते हैं. तो आज पंचमी है गाइज और आज का कलर कोड है येलो. सो मैं जब तैयार होकर ऑफिस के लिए मैं निकल चुकी हूँ, जब मैं स्टेशन पहुँची तो वहाँ पर सारे लोग मुझे येलो कलर के ड्रेस में ही दिख रहे थे. जिधर भी मेरी नज़रें घूम रही थी उधर मुझे लोग येलो कलर के ही ड्रेस में दिख रहे थे. फाइनली मेरी लोकल आ जाती है और मैं निकल जाती हूँ ऑफिस के लिए. मुझे यहाँ से ऑफिस जाने को एक घंटे लगते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी दिखलाया था कि मेरा ऑफिस का डिस्टेंस यहाँ पे एक घंटे के दूरी में है. तो मैं जिधर भी देख रही थी मुझे आज तो लोग येलो कलर के ही ड्रेस में दिख रहे थे. देखने को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि सारे एक जैसे कलर में दिख रहे थे मुझे आज. तो मैं ऑफिस के स्टेशन पर पहुँचती हूँ, वहाँ पर सेम मैं ऑटो के लाइन में लगी और फाइनली मैं सिक्योरिटी चेक इन करते हुए ऑफिस के अंदर चली जाती हूँ. सो गाइज यहाँ पे करती हूँ मैं ऑफिस इंटर सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद, और ये है हमारा सुंदर सा ऑफिस का गार्डन. सो ऑफिस का काम कंप्लीट करके हम लोग जाने वाले थे आज सुगन्या के घर, जो कि मेरी कलीग है. तो हमने पूरा टीम ने डिसाइड किया था कि आज इवनिंग काम ख़त्म करके हम लोग जाएंगे उसके घर. तो हम लोग जाने वाले थे उसके घर दशहरा सेलिब्रेशन के लिए, बिकॉज़ वो साउथ इंडिया से है और उनका सेलिब्रेशन करने का स्टाइल भी थोड़ा अलग होता है. वो लोग डॉल डेकोरेट करते हैं और मैंने कभी ये फेस्टिवल देखा नहीं था पहले, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड थी. इवन मेरी पूरी मंडली ही एक्साइटेड थी. तो ये हम लोग निकल जाते हैं सुगन्या के घर हम लोग दशहरा सेलिब्रेशन करने के लिए. आज हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि दिन भर का काम कंप्लीट करके थोड़ी सी थकान आ जाती है, तो उसके बाद थोड़ा सा फन, थोड़ा सा मस्ती अगर हो जाए तो क्या ही बात है. तो आज हम लोग जाने वाले थे सुगन्या के घर, तो वी वर वेरी मच एक्साइटेड कि आज कैसा वो लोग सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल, क्योंकि नॉर्मली हमारा नॉर्थ इंडिया में तो दशहरा अलग ही तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है. तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि कैसे वो लोग डॉल का डेकोरेशन करते हैं. और फाइनली हम लोग पहुँचते हैं उसके घर एंड शी वॉज़ वेरी मच एक्साइटेड. सो इसी एक्साइटमेंट के साथ हम लोग घुसते हैं घर के अंदर और देखते हैं उसका डेकोरेशन. तो मुझे बहुत ही पसंद आया उसका डेकोरेशन, जिस तरह से उसने डॉल का डेकोरेशन पूरा किया हुआ था. जब मैंने वहाँ पे एंटर किया और उसका पूरा डेकोरेशन देखा तो मुझे बहुत ही पसंद आया ये डेकोरेशन, जिस तरह से उसने पूरे डॉल सजाए हुए थे. कुछ डॉल्स उन लोगों ने हाथ से बनाए हुए थे, कुछ डॉल्स उन लोगों ने खरीदे हुए थे. तो मुझे ये सारे डॉल्स देख के बहुत ही पसंद आया था. पर्सनली डॉल का डेकोरेशन मुझे इतना पसंद आया कि मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ भी खींचे और वीडियोज़ भी लिए. प्लस उनका ट्रेडिशन मुझे आज पता चला कि वो लोग दशहरा का फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते हैं, एंड जो भी लोग उनके घर में ऐसे गेस्ट आते हैं उनको वो लोग गिफ्ट भी देते हैं. प्लस हमने प्रसाद भी खाया और पर्सनली हमें दिन भर का टायर्डनेस के बाद कुछ टाइम हमें मिला थोड़ा इंजॉय करने के लिए. तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुगन्या के घर पर जाके हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया साथ में, बहुत सारी गप्पे की. तो इस तरह से हमने आज का पूरा दिन स्पेंड किया गाइस. सो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें. बाय बाय.